पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे काळे कृषी कायदे परत घेतल्याबद्दल अभिनंदन, पण हेच पाऊल 10 महिने आधी उचलले असते तर 700 शेतकऱ्यांचा बळी गेला नसता. याचे प्रायश्चित करायचे असेल तर मोदींनी मृत शेतकऱ्यांच्या परिवाराला 1-1 कोटी रुपये मदत राशी द्यावी. या परखड शब्दात डॉक्टर प्रवीण कुमार तोगडिया यांनी पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढविला. आज बुलढाणा येथे डॉक्टर तोगडिया आले असताना त्यांचा संबोधन कार्यक्रममध्ये ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदद्वारे आयोजित या कार्यक्रमात तोगडिया प्रखर हिंदुत्वावर बोलत होते. तोगडिया यांनी आपल्या भाषणात म्हणाले की कृषी कायदे लवकरात लवकर परत घेतले असते तर 700 आया बहिणींच्या कपाळाचे कुंकू पुसले गेले नसते. म्हणून या परिवारांना केवळ 700 कोटींची मदत देणे खूप काही कठीण नाही. मोदी सरकारने त्यांना तात्काळ मदत करावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा तोगडिया यांनी केली आहे. कानून आयोग के विरुद्ध चला, अंत में केंद्र सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी ने कानून वापस लिए. नरेंद्र भाई मोदी को मेरा अभिनंदन है, पर अभिनंदन आधा है. पूछेंगे कि आधा अभिनंदन क्यों देते हो? अरे मेरे नरेंद्र भाई, आप सबको पता नहीं है मेरे खेत, मैं भी किसान हूं, शेतकरी हूं, मेरे खेत से सब्जी आती थी और मेरे घर में पका कर मैं और नरेंद्र भाई साथ में खाते थे कभी. तो अभिनंदन अधूरा क्यों? अरे नरेंद्र भाई कानून वापस लेना था तो 10 महीने पहले वापस लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती. मैं 1000 की आबादी का गुजरात का गांव का किसान का बेटा हूं. मरने वाला किसान किसी का बाप है, किसी बेटी का बाप है, किसी स्त्री का पति है, किसी का भाई है. 700 बहन बेटियों के सिंदूर लूट गए. 10 महीने पहले निर्णय करते तो अभिनंदन देते. फिर भी नरेंद्र भाई ये काम कर सकते हो? या 700 किसान जो मारे गए आंदोलन में, प्रत्येक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे दो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा. तर मुस्लिमांच्या नमाजला सुद्धा तोगडी यांनी प्रखर विरोध केला असून सार्वजनिक ठिकाणी मुसलमान यांनी नमाज पठण करू नये, त्यांनी त्यांची नमाज मस्जिदमध्येच करावी किंवा त्यांच्या घरात करावी, असंही मत प्रवीण तोगडिया यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं, मस्जिद में करें, उनके घरों में करें. उनका कारण एक होता है, मुसलमान जब नमाज अदा करता है नहीं तो 5 साल के बाद वह मस्जिद बनाता है, फिर वह अल्लाह की प्रॉपर्टी घोषित करता है, फिर वह जमीन पर कब्जा करता है. यह हम भी देख रहे हैं इतने वर्षों से. और कहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज की अनुमति नहीं दे, हिंदू करते हैं तो शांति में विरोध करो. प्रतिनिधि मयूर मोरे, चिखली, बुलढाणा, आधार न्यूज. अच्छा, ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी